नमस्कार दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ ब्लूटूथ गेम पैड सेल्फी शटर रिमोट, जो मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा है। लगभग 300 रुपये में आपको ये मिल जाता है। ये इसका इस बॉक्स है, आप देख सकते हैं। आप इसे, ये रिचार्जेबल है और वायरलेस माउस की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं। म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हैं, गेम कंट्रोल कर सकते हैं, सेल्फी का शटर भी की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ एक वीआर बंडल ऐप आपको मिला है, जो इस क्यूआर कोड को स्कैन करने पर आपको मिलता है। लेकिन वो ऐप बेकार है, क्योंकि आपको वो चाइनीज़ लैंग्वेज में मिलेगा। इस साइड तो उसका इंट्रोडक्शन चाइनीज़ में ही दिया है। और ये है इसका बॉक्स, इसे मैंने एक महीने से यूज़ कर रहा हूँ और एक मेड इन चाइना है। देखेंगे इसके अंदर और क्या क्या है। देखिए, इसके अंदर पेपर वर्क थे लेकिन वो गुम हो गए हैं। इसका प्लास्टिक केसिंग में आता है, ये आपका रिमोट, और यही है हमारा ब्लूटूथ कंट्रोलर। इस पर, इसमें आपको डायरेक्शन पैड मिलता है, जो आपके नॉर्मल गेम पैड में होता है। स्टार्ट और शटर का बटन दिया है, और ये चार बटन्स दिए हैं जो नॉर्मल गेम पैड में होते हैं। इस साइड आप देखेंगे तो दो स्विच दिए हैं, जिससे आप एक गेम मोड में जा सकते हैं या फिर की में जा सकते हैं। और यहाँ पर है आपका USB पोर्ट, जिससे आप इसे चार्ज कर सकते हैं। आपको मैं अभी चार्ज करके दिखाता हूँ। इसके साथ कोई चार्जिंग वायर नहीं दिया गया है, आप अपने मोबाइल से या फिर अपने कंप्यूटर से चार्ज कर सकते हैं। ये रही मेरे वायर, और इसे मैं कनेक्ट करूँगा अपने पावर सोर्स से, और आप देख सकते हैं इसे ऐसे कनेक्ट करके आप इसे चार्ज कर सकते हैं। इसे चार्जिंग चालू हो गई। एक बार चार्ज करने पर 20 घंटे तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है। ये रहा आपका ब्लूटूथ कंट्रोलर। अभी मैं आप इसके यूसेज आपको बताता हूँ। इसे आप 2 सेकेंड रखेंगे तो ये ऑन होगा, और अगर आप 5 सेकेंड के लिए रखेंगे तो ये बंद हो जाएगा। इस पर ऑटो ऑफ का भी फीचर दिया है। 5 मिनट तक आप किसी भी डिवाइस पर पेयर नहीं हुआ तो अपने आप ही बंद हो जाएगा। यहाँ पर रिसेट बटन दिया गया है। आप, हम अभी इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे। 1 2 इस नीली मार्क का, इसका मतलब यही है कि ये ब्लूटूथ डिवाइस अभी पेयर नहीं हुआ है। देखिए, हम सेटिंग्स ब्लूटूथ में आपको हमारा डिवाइस में ब्लूटूथ के डिवाइस में जाते हैं जाएंगे अभी आपको नजर आ रहा है। इसे एक बार आप पेयर कर लीजिए तो अपने आप ही कनेक्ट हो जाता है। देखिए, कनेक्ट होने के बाद ये लाइट चला गया। अब आप इसे इनपुट डिवाइस की तरह यूज कर सकते हैं। देखिए, अभी आप इसे गेम मोड में लगा दीजिए, और आप देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल फ़ोन पर अभी आप मूवमेंट देख सकते हैं, जो कि इसके नज़र में कंट्रोल हो रहा है। देखते हैं सेल्फी लेता है कि नहीं। ये बैक कैमरा है, अभी हम फ्रंट कैमरे भी लेते हैं। देखिए, मेरा सेल्फी फ़ोटो ले चुका। आप इसी बटन से यूज़ करके आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। देखिए, आप सेल्फी भी ले सकता है। और अब हम देखेंगे, मैंने जिस काम के लिए वो लिया था, ये अच्छी तरह से निभा रहा है। पहले इसके लिए आपने इस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, और गेम्स भी आपके पास रहने चाहिए। मैं नॉर्मली ये गेम्स खेलने के लिए
जो हम बचपन में खेला करते थे। देखिए जैसे कि ये मारियो ब्रास, अब ये दूसरे गेम खेल कर देखते हैं। देखिए मेरे पास बहुत सारे गेम हैं, आप भी इन सबको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।